Good morning to all. How are you, students? I hope you all are fine at your home. I know today is very cold. So all of you sit in your blanket and take out your book, English grammar book. Okay? And open chapter punctuation. Today I will teach you, we will discuss about punctuation. Punctuation kya hota hai? Sabse pehle main aapko bata deti hu. Symbols describing our feelings और इमोशंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन. कोई भी सिंबल जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को, वे होते हैं पंक्चुएशन. जैसे मैं कुछ भी अगर आपसे बात कर रही हूँ, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, आप आसानी से समझ सकते हैं, या आपकी बात कोई और आसानी से समझ सकता है जब आप उसे समझेंगे. लेकिन वही चीज अगर हम रिटर्न में दें, आप बुक में रीड करते हैं, आप नोटबुक में राइट करते हैं और फिर उसे रीड करते हो, और अगर आप उसे लगातार रीडिंग करते चले जाएंगे तो क्या होगा, समझने में मिस्टेक्स होंगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा गया है. ठीक है, तो क्या है, बीच बीच में हमें फुल स्टॉप लगाने होते हैं. फुल स्टॉप लगाया तो हमें रुकना होता है, स्टॉप होना होता है, कोमा लगा हुआ है तो हमें क्या होता है, फिर थोड़ा सा रुकना होता है. ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम उस क्वेश्चन को पूछेंगे. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम सुजाता है. ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसमें क्या है, हम फुल स्टॉप लगाएंगे. माय नेम इज सुजाता. ठीक है, योर नेम इज दक्ष, सिंपल सा हम लगाएंगे. अगर मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो हमारी टोन चेंज हो जाती है. व्हाट इज योर नेम, हाँ, व्हाट आर यू डूइंग, तो हम जैसे हम बोलते हैं तो बोलने से तो हम समझ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हम समझ जाते हैं, हमारे टोन से हम समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है. लेकिन अगर हम बुक में रीड करते हैं, नोटबुक में रीड करते हैं, तो हमें पंक्चुएशन की नीड होती है. ठीक है, तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें कैसे बोलना है. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे. ओपन योर बुक ऑल ऑफ यू एंड स्टार्ट टू राइट ऑल्सो. Firstly, I will teach you full stop. Number one, full stop. Stop. कोई भी जब सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस, दिस इज द बुक, दिस इज द चेयर, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं आप इजीली समझ जाए कि इनमें फुल स्टॉप लगेगा. ठीक है, या जैसे कोई डिग्री है, पंक्चुएशन. ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको समझा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल
लेते हैं बोलते समय, लेकिन जब लिखेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क देखते ही हम अपनी टोन चेंज कर देते हैं रीडिंग करते टाइम भी, ठीक है। लाइक next number four
बोलते हैं ना, तो हम इसे एपोस्ट्रोफी ऊपर हेड की तरफ, जब हम वर्ड के हेड की तरफ लगाते हैं तो ये होता है एपोस्ट्रोफी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, का उससे संबंधित है। ठीक है, जैसे दिस इज राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक। तो इस एपोस्ट्रोफी से हमें पता चल गया यहाँ पर ये बुक किसकी है, राम की है। अगर मैं कहूँ दिस इज राम बुक, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज राम बुक, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। इफ वी विल यूज एपोस्ट्रोफी देन वी कैन मेक प्रॉपर सेंटेंस। अगर हम इस एपोस्ट्रोफी को यहाँ से हटा देते हैं तो भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी राइट करेंगे, तब हम एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, शॉर्ट में राइट करते हैं आई। ठीक है, डन दिस, आई हैव डन दिस। ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं उसे, इसका मतलब क्या है, आई हैव। ठीक है, यहां पर हमने एच ए बी ई राइट करने की जगह आई और एपोस्ट्रोफी बी ई, ठीक है, यूज किया है। तो यहां पर भी हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, आई यू अंडरस्टैंड एपोस्ट्रोफी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है, कोई भी हम स्टेटमेंट किसी का बताते हैं एज किसी बताते हैं तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमा में राइट कर देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में हम उसे राइट कर देते हैं जो भी हमने कहा होता है या कोई भी स्टेटमेंट होता है किसी का एज इट इज। अगर हम उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो हम उसे फिर इन्वर्टेड कॉमा के बना देते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज करते। और अगर हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं तो सेम स्टेटमेंट होता है किसी का कहा हुआ, उसमें हम अपनी साइड से मतलब अपने तरीके से भी नहीं कह सकते उसे फिर। ठीक है, जैसे राम सेड, राम सेड, फिर हम रुकेंगे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, मोहन इज, मोहन इज ए, तो इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप भी हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आ गया। ठीक है, राम ने कहा मोहन बीमार है, राम इज, राम सेड मोहन इज सिक। ठीक है, तो राम ने जो कहा है वह क्या कहा है, वह बीमार है, ये नहीं कहा उसने। अगर मेरे से किसी ने कहा कि राम ने कहा मोहन बीमार है तो वो ऐसे कहेगा। अगर मैं कहूंगी वह बीमार है, उसने कहा वह बीमार है, उसने कहा था मेरे से कि मैं बीमार है, जो हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे। ठीक है, दैट यूज करेंगे यहाँ पर। और अगर हमने यहाँ पर कॉमा राइट किया है इन्वर्टेड कॉमा में, हम पूरी बात वही कहेंगे, हम उसमें अपनी साइड से नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, फादर, फादर सेड, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहो। ठीक है, और हम इस जो भी हमारा यह स्टेटमेंट है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देंगे, यहां से शुरू करेंगे, यहां से हम इसे बंद कर देंगे। समझ में आ गया आपको सभी को, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कुछ नहीं है,
What happened? Alas, दुख के साथ में. Sorry. तो ऐसी जगह पे हम क्या यूज करते हैं जहां पर एकदम से हम एक्सक्लेम हो जाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. ठीक है, ये सेंटेंस है, ये वाला हम उसी वर्ड के बाद में यूज करते हैं. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाता है ये, जैसे हुरे या अलास. अलास किसके होता है? दुख के. ठीक है, अलास हे इज डेड, वे मर गया. हे इज डेड, वे मर गया है. अलास बड़े दुख के साथ में. ठीक है, या हाउ फाइन द बुक इज, हाउ फाइन द बुक इज, हाउ फाइन द बुक इज, ऐसे सेंटेंस में भी ना एक्सक्लेमेटरी मार्क राइट करते हैं, एक्सक्लेम करते हुए. ठीक है, वॉट अ ब्यूटिफुल हाउस इज, वॉट अ ब्यूटिफुल हाउस इज, कितना सुंदर है. हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करते हैं. नाम का भी फर्स्ट लेटर, किसी के नेम होते हैं, नेमिंग पर्सन होते हैं, नेमिंग प्लेस होते हैं, तो भी हम कैपिटल लेटर राइट करते हैं. ठीक है, कैपिटल लेटर कब कब हम राइट करते हैं. ठीक है, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं, कोई भी सेंटेंस हम राइट करना शुरू करते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है. टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स, जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके स्टार्टिंग हम किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से करते हैं. टू राइट अ प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ, आई जब राइट करते हैं मैं के लिए, तो भी हम इसे कैपिटल राइट करते हैं. यू वा यू या ही, ये हम कैपिटल में राइट नहीं करते, लेकिन आई और ओ एंड ओ ये भी हम कैपिटल लेटर में ही राइट करते हैं. ठीक है, प्रॉपर नाउन का जो स्टार्टिंग होता है तब भी हम राइट करते हैं उसे कैपिटल लेटर में. हमारा जो सेंटेंस होता है हम उसे स्टार्ट करते हैं तब भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करते हैं. टू बिगिन द नेम ऑफ फेस्टिवल, हम कोई भी फेस्टिवल्स के नेम राइट करते हैं, रिलीजन के नेम राइट करते हैं, लैंग्वेज, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये भी हम जब राइट करते हैं तो हम इन्हें भी, इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करते हैं. ठीक है, टू बिगिन द नेम ऑफ डेज और मंथ, हम डेज और मंथ के नेम भी जब राइट करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर से बिगिन करते हैं. और टू बिगिन द फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का भी हम फर्स्ट लेटर, रिपोर्टेड स्पीच यानी जो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राइट करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर भी हम कैपिटल लेटर से ही राइट करते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, एक बार राइट करके समझा देती हूँ. ठीक है, कब कब राइट करती है? एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. बहुत सारे बच्चे हैं जो कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते, बस रनिंग लेटर में राइट करते चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता. मैं बताती हूँ, बार बार बताती हूँ कि बेटा यहाँ कैपिटल लेटर राइट करना है, वहां कैपिटल लेटर राइट करना, नहीं समझ में आता. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, बार बार समझिए इस चीज को, फिर समझ में आएगा. तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस
पार्टिसिपल है, ठीक है। नंबर थर्ड आई ओ, ये तो फिर बता दिया। नंबर फोर नेम ऑफ टू बिगिन द नेम ऑफ फेस्टिवल लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ लिखते इंग्लिश हिंदी न्यूज पेपर और बुक किसी भी बुक का नाम रामायण महाभारत एब्रीविएशंस डेज नेम से पहले, ठीक है। मंथ्स नेम से मंथ्स, मंथ्स का जो फर्स्ट लेटर होता है, डेज का जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है। और रिकॉर्डेड स्पीच टू बिगिन द फर्स्ट लेटर रिकॉर्डेड स्पीच। ओके समझ आ गया सभी को, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हो गया सबका, अच्छे से समझ में आ गया सभी को। चलिए आपका जो एक्सरसाइज का वर्क है उसे मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी और समझा भी दूंगी। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।